Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Akil from Shahapur Chowraha, Farukabad. Inki problem ek competition ki hai, mathematics ki problem hai. Yadi ek vyakti kuch ande ek rupay ke do ki das se, tatha utne hi ande do rupay ke teen ki das se kharidta hai. इन सबको तीन रुपए के पांच की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी ये हमें फाइंड करना है. यानी यहाँ तक हमारे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो दो तरह के अंडे खरीद रहा है और बताया जा रहा है उतने ही अंडे यानी उतनी ही मात्रा में यानी बराबर बराबर मात्रा में उन बराबर मात्राओं को हम लोग एक्स एक्स ले लेंगे और रेट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है और दूसरी वाली रेट ये है ये खरीदने वाली है. तो पहले तो हम देखेंगे कि उसने कितने रुपए का कोई भी सामान यानी अंडे खरीदे हैं और फिर देख उसे सीपी बोलते हैं और कितने रुपए के अंडे बेचे हैं इसे एसपी बोलते हैं. तो सीपी और एसपी जब पता हो जाएंगे तो प्रॉफिट या लॉस के बारे में बता सकेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो सीपी निकालने के लिए कर रहे हैं. यानी कुल मिला के जो इसने अंडे खरीदे होंगे वो 2x होंगे. फर्स्ट टाइप के अंडे जो खरीदे हैं तो इन्होंने बताया कि दो अंडे एक रुपए में खरीदे हैं. तो इसका मतलब एक अंडा खरीदा होगा इन्होंने 1/2 रुपी में, जबकि अंडे कितने खरीदना x. तो x अंडे खरीदेंगे कितने, इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो x बाई टू हो जाएगा. यानी x अंडे कितने रुपए में खरीदे, x बाई टू. इसी तरीके से दूसरा रेट बता दिया गया था कि तीन अंडे खरीदे हैं इन्होंने 2 रुपए में और इसलिए एक अंडा कितने में खरीदा जाएगा, ये 2/3 में, जबकि अंडे कितने खरीदे गए हैं ये भी x ही खरीदे गए हैं. तो कितने रुपए खर्च हुए होंगे इन्हें खरीदने में, 2x ऊपर x इनटू हो जाएगा 2x/3. इस तरीके से इन्होंने 2x अंडे टोटल खरीदे हैं और ये रुपए खर्च हुए हैं दोनों पर इतने इतने. यानी हमें सीपी अगर निकालना है तो ये दोनों तरह के अंडे खरीदने में जो रुपए खर्च हुए हैं उन दोनों को जोड़ देना चाहिए और इनका देखना है कि अलग अलग नंबर हैं, कोई इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम हो जाएगा. ऐसे केस में 3 का उधर ऊपर इंटू कर देंगे और 2 का इधर इंटू कर देंगे, 4x यानी 7x/6 इसका सीपी हो गया जो कि 2x इनटू का सीपी आ गया. अब हम लोग निकालेंगे एसपी. यहाँ तक तो हम लोगों ने बात की थी सीपी की, अब एसपी. एसपी मींस सेलिंग प्राइस, यानी कितने में बेचे हैं, यानी 2x इनटू को बेचना है और उसकी दर एक ही रखी है. खरीदने की दर तो अलग अलग थी, अलग अलग रेट के अंडे थे लेकिन उन्होंने अपने दुकान पर बेचे होंगे तो रेट एक ही रखा है. यानी 5 अंडों के वो ले रहे हैं 3 रुपए ले रहे हैं, ₹3. इसका मतलब एक अंडे के कितने रुपए ले रहे हैं, यानी एक अंडे के सेलिंग प्राइस यानी रेट पता चल गए, इतनी सेलिंग रेट ये है. जबकि कितने अंडे बेचना है उनको, जितने खरीदे थे यानी 2x खरीदे थे तो 2x बेचना है, यानी 2x का इंटू करेंगे. 2x का यहाँ पर जब इंटू होगा 3/5 में तो आ जाएगा ये 6x/5. यानी ये बन गया हमारा सेलिंग प्राइस 6x/5. एक्स तो दोनों में कॉमन आ रहा है सेलिंग कॉस्ट में, से 7/6 एक्स को अब ना भी लिखें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अब इन दोनों में देखना कौन बड़ा है कौन छोटा है. ये इस तरफ लिखा हुआ है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस. तो अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा. अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, यानी खरीदने वाला मूल छोटा है बेचने वाला मूल बड़ा है तो फिर लाभ होगा. तो इसे चेक करने के लिए इनको पास पास लिख लें और यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करें, इधर नीचे यानी 35 इधर लिख देंगे इसके नीचे और फिर नीचे से ऊपर इंटू करें, ये 36 ये बड़ा आ रहा है. तो इसका मतलब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, यानी सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से. तो ऐसे में हमेशा प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट निकालने के लिए इस नंबर 6/5 में से माइनस कर दो, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो. देखेंगे कितना आएगा,
ये नंबर में कोई भी नंबर 5 और 6 में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे केस में 6 का इधर इंटू कर दें 36, और 5 का इधर इंटू करेंगे 35, यानी ऊपर 1/30 आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, किस सौदे में कितना प्रॉफिट हुआ। ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट हुआ, तो दो ऑप्शन में, इनका क्वेश्चन जो भेजा था उसमें दो ऑप्शन में प्रॉफिट आ रहा था, तो दो में से एक सही होगा। आप पूरा कम्प्लीटली सही निकालने के लिए, पता लगाने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, नीचे हमेशा सीपी आता है इंटू 100, और परसेंटेज में आंसर बताना है। हमको प्रॉफिट भी पता चल चुका है 1/30 है, और सीपी तो शुरुआत में ही मालूम है कितना, 7/6 है इंटू 100 परसेंटेज। ये 1/30 नीचे आ जाएगा, और ये 2/6 में है 6, तो ऊपर जाके इंटू, नीचे 7 रहेगा इंटू 100। 5 6 से कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम्स, और 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 120 टाइम्स, तो 20/7 और परसेंटेज चल रहा था। इसको डिवाइड मैक्स फार में लिखेंगे तो 7 2 14 बचेगा 6 6/7 परसेंटेज, और हम पहले देख चुके थे ये लाभ है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सेंड कीजिए।